हेलो हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सबको स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आज का ये जो स्पेशल और लाजवाब डिश मैं आपको बना के बताने वाला हूँ, ये बहुत ही खास और ज़बरदस्त तरीके से बनने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, डेफिनेटली वीडियो को इमिडिएटली एक लाइक करें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खास करके आज का ये जो स्पेशल डिश गाँव में ज़्यादा तरीके से लोग खाते हैं, क्योंकि ये गाँव का स्टाइल है, देसी स्टाइल है। तो आज मुझे भी कुछ देसी स्टाइल खाने को मन किया, तो मैं ये लाजवाब और स्पेशल डिश देसी स्टाइल में बना के खाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का स्पेशल और लाजवाब डिश का प्रोसेस। तो अभी भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो इमिडिएटली एक लाइक करें, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब इमिडिएटली करें। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एक हाफ किलो 50 ग्राम यानी कि 550 ग्राम का एक ब्रिंजल लिया हूँ। तो रोज़ का मसाला और करी बना के खाने के बाद आज कुछ अलग और स्पेशल खाने को मन किया था, तो इसीलिए मैं मार्केट से एक बड़ा वाला ब्रिंजल लिया हूँ। तो चलिए आज कुछ अलग तरीके से एक लाजवाब और स्पेशल डिश बना के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रिंजल लिया हूँ, तो इसको बीच में से हम कट करेंगे, मतलब इसको अलग नहीं करना है। बीच में से कट करने के बाद हम इसके अंदर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली डालने वाले हैं। तो आप इसे बीच में से 3-4 जगह इसे कट कर देना, ज़्यादा बड़ा सा मतलब पीसेस नहीं करना है, आप इसे बस ऐसे ही कट कर दें, जैसे हमारे गार्लिक और ग्रीन चिल्ली इसके अंदर जा सके। तो अभी आप आराम से देख सकते हैं, अभी हम इसके अंदर गार्लिक डालेंगे, ये जो गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर होता है ना, वो ब्रिंजल के अंदर से भी आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे अभी हम भून लेंगे यानी कि फ्राई करेंगे लो फ्लेम में। आप याद रखें, लो फ्लेम में इसे अभी हम तंदूर के जैसा फ्राई करेंगे। ब्रिंजल को फ्राई करने से पहले थोड़ा सा ऑयल हम इसमें लगा दिया हूँ, तो आप भी थोड़ा सा आपके फ्लेवर के हिसाब में जो भी ऑयल आपको पसंद है वो ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। ब्रिंजल को फ्राई करते हैं, आप ध्यान रखें आप इसे मीडियम और लो फ्लेम में ही फ्राई करें। तो अभी मैं इसे 4-5 मिनट लो फ्लेम में चारों तरफ पलटाते हुए या घुमाते हुए या साइड चेंज करते हुए मैं इसे तंदूर यानी फ्राई करने वाला हूँ। बहुत ही लाजवाब और स्पेशल डिश बनने वाला है आज, खास करके गाँवों में ब्रिंजल को लोग इस तरीके से बना के खाते हैं देसी स्टाइल में। तो आज मुझे भी थोड़ा देसी खाने के लिए मन किया है, तो इसीलिए मैंने आज ये ब्रिंजल को देसी स्टाइल में बना के खाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली घर में आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें, हमारे प्रोसेस के हिसाब में ट्राई करके हमें कमेंट में बताएं कि टेस्ट कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, ब्रिंजल यहाँ पे तंदूर हो चुका है, अच्छा से हमें इसे फ्राई कर लिए यानी कि भून लिए या तल लिए। तो चलिए इसके छिलके को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का स्पेशल और लाजवाब डिश का फाइनल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ब्रिंजल को हमने अच्छे से क्लीन कर लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हम इसे क्लीन कर लिए, और आप देखिए इसके अंदर जो मिर्ची डाले थे वो अच्छा से पक गया है, और इसका ग्रीन चिल्ली का जो फ्लेवर है वो ऑलमोस्ट ब्रिंजल के अंदर ही भी जा चुका है। तो चलिए इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं, कहीं इसके अंदर कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं है ना, तो
वो चेक करना जरूरी है। और इसके अंदर देखिए जो हमने डाले थे गार्लिक, वो अच्छा से पक गया है। इसका भी फ्लेवर ब्रिंजल के अंदर जा चुका है, तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट रहने वाला है। तो घर में डेफिनेटली एक बार ट्राई करें इसको। अभी मैं थोड़े देर, अभी 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देता हूँ ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स ब्रिंजल यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे देख लेते हैं और से अच्छा से चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी निकला है, तो ये पानी को हम ब्रिंजल से अलग कर देना है। तो अभी मैं इसे एक बाउल में लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ब्रिंजल को मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले चुका हूँ। तो इसके अंदर जो भी ग्रीन चिल्ली और गार्लिक थे उसे ब्रिंजल के साथ हम अच्छा से स्मैश कर लेंगे। मैं यहाँ पे देसी जुगाड़ लिया हूँ, एक ग्लास लिया हूँ, तो ग्लास में इसे ब्रिंजल को मैं अच्छा से स्मैश कर लूँगा। और इसके साथ जो भी गार्लिक और ग्रीन चिली डाले थे उसको भी अच्छा से स्मैश कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ब्रिंजल को हम ऑलमोस्ट अच्छा से स्मैश कर चुके हैं, तो चलिए इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता को भी छोटे छोटे बारीकी से डाल के इसे भी इसके स्मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रिंजल को अच्छा से स्मैश कर दिए और उसके साथ जो गार्लिक और ग्रीन चिल्ली थे और साथ में धनिया पत्ते को भी अच्छा से मिक्स करके स्मैश बना दिए हैं। तो चलिए इसे देते हैं फाइनल टच यानी कि लाजवाब तड़का और फिर करते हैं टेस्ट। तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले फाइनल प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट रहने वाला है। देसी टेस्ट बोलते हैं ना, तो घर में अगर आपको देसी टेस्ट का कुछ खाना है तो डेफिनेटली ये बैगन का स्पेशल डिश बैगन भरता आप जरूर एक बार ट्राई करें तंदूरी स्टाइल में, और हमें कमेंट में बताएं हमारा रेसिपी के साथ टेस्ट कैसा रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 से 3 कच्चे पापड़ को भी थोड़ा सा तंदूर के जैसा बना देता हूँ, यानी कि इसे तल लेता हूँ, क्योंकि हम इसे तड़के के हिसाब में यूज करने वाले हैं आज के लाजवाब और स्पेशल डिश ब्रिंजल भरता यानी कि बैगन भरते में। कुछ इस तरह आप पापड़ को तल लें मीडियम और लो फ्लेम के फायर में यानी कि आग में। बहुत ही अच्छे तरीके से हम पापड़ को दोनों साइड आग में तल लिए। मैं यहाँ पे मसाला लिज्जत पापड़ यूज कर रहा हूँ, आप आपके घर में जो भी पापड़ है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों पापड़ रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का स्पेशल डिश और लाजवाब डिश को तड़का देते हैं और फिर करते हैं टेस्ट। यहाँ पे मैं 20 ग्राम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ, आप आपके टेस्ट के हिसाब में जो भी ऑयल आपको चाहिए या घी चाहिए तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 स्पून जीरा, साथ में थोड़ा सा राई यानी कि मस्टर्ड। आपको अगर मस्टर्ड ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया तो इसलिए थोड़ा सा मस्टर्ड डाला। तो यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिली को स्लाइस किया हूँ, उसे डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे 3 से 4 गार्लिक को मैंने बारीकी से स्लाइस कर दिया हूँ, उसे डाल देते हैं। इसे अच्छा से 30 से 40 सेकेंड तक हम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे।
साथ में यहाँ पे एक मीडियम साइज के अनियन को मैं मीडियम साइज में स्लाइस किया हूँ, उसे ऐड कर देते हैं। और अभी हम फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा से तल लेंगे या फ्राई कर लेंगे, जब तक अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन कलर बन जाए। अनियन को बीच बीच में आप ऐसा साइड चेंज करते रहें। यहाँ पे अनियन हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करते हैं फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। ये आज का स्पेशल और लाजवाब डिश देसी स्टाइल में बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ जबरदस्त रहने वाला है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप घर में जब एक बार बना के खाएंगे तो डेफिनेटली हफ्ते में 2 बार तो पक्का खाएंगे यार। तो एक बार ट्राई करना जरूर, और हमें कमेंट में डेफिनेटली बताना कि हमारे प्रोसेस के साथ टेस्ट कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड करते हैं जो तंदूरी ब्रिंजल को हम स्मैश करके रखे थे, उसे ऐड कर देते हैं। और इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे अहमियत चीज सॉल्ट, आपके स्वाद के अनुसार डालें। मिक्स कर लेंगे और इसे मैक्सिमम 1 मिनट इसे साइड चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली पाउडर यूज कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का स्पेशल और लाजवाब डिश ब्रिंजल भरता, यानी कि बैगन की भरता। बहुत ही जबरदस्त बना है, खुशबू तो अभी तक लाजवाब है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं और देते हैं पापड़ का लाजवाब तड़का और फिर करते हैं टेस्ट। यहाँ पे पापड़ को मैं स्मैश करके इसके ऊपर डाल देता हूँ। आप ध्यान रखें, पापड़ आप तब डालें अगर आप इमिडिएटली खा रहे हैं, तो आप पापड़ को जब भी डालें। अगर आप थोड़ी देर के बाद इसे बाहर निकाल के थोड़ी देर रखने के बाद अगर खाना है, तो खाने का 1-4 मिनट पहले ही आप पापड़ को इसमें ऐड करें, ये ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का स्पेशल और लाजवाब डिश। डेफिनेटली वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का स्पेशल और लाजवाब डिश बैगन भरता। आप खुद देख सकते हैं कितना लाजवाब दिख रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। तो डेफिनेटली घर में आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें, और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ टेस्ट कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डेफिनेटली हमें कमेंट में बताएं कि हमारा रेसिपी और हमारा वीडियो और हमारे रेसिपी के प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपका कुछ भी चाहिदा और लाजवाब स्पेशल डिश है जो आप देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो डेफिनेटली हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको पेश करके वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू।